गुड मॉर्निंग. ओके देखो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, डबल कॉलम कैश बुक. क्वेश्चन नंबर टू, पेज नंबर 172. ठीक है, किसका कर रहे हैं हम लोग? टेक्स्ट बुक, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक. ठीक है, डबल कॉलम कैश बुक में हम लोग पहला सम भी हम लोग ने अपलोड किया हुआ है. ठीक है, वीडियो जर्नल, क्या ये जर्नल है? ठीक है, डबल कॉलम कैश बुक. अच्छा, मैंने क्या बोला था, क्या नहीं करेंगे हम लोग? नरेशन नहीं लिखेंगे. नरेशन आप तो लिख सकते हो ना. यस. ठीक है, ओके. क्वेश्चन वन, क्वेश्चन टू देखो. प्रिपेयर टू कॉलम कैश बुक फॉर द फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर जुलाई 2018. तो यहाँ पे क्या लिख लोगे? 2018 जुलाई 2018 जुलाई. ठीक है, सबसे पहला जो एडजस्टमेंट दिया क्या, ट्रांजेक्शन दिया क्या है? फर्स्ट कैश इन हैंड और कैश एट बैंक. आपको दोनों का बैलेंस दिया, ये कोई ट्रांजेक्शन नहीं, ये क्या है? बैलेंस है, है ना. तो यहाँ पे क्या लिखोगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. कैश का कितना बैलेंस है? 17,500 और बैंक का 5,000. अच्छा देखो, बाकी ट्रांजेक्शन के हम लोग तो क्या नहीं लिखने वाले, मैं नरेशन नहीं लिखूंगा, आप लोग लेकिन लिखोगे. तो सारे ट्रांजेक्शन के नरेशन आएंगे, इसका नरेशन नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि ये क्या है, क्या ये ओपनिंग बैलेंस. तो ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस का नरेशन नहीं आता है, नरेशन सिर्फ ट्रांजेक्शन के आते हैं. तो 3 तारीख को देखो क्या है, परचेस गुड्स फॉर कैश 3,000. तो गुड्स अगर परचेस किया तो पैसा आएगा या जाएगा? जाएगा, यानी पेमेंट साइड. कितनी तारीख को? 3 तारीख. बाय क्या लिखोगे? परचेज अकाउंट. कितना? 3,000. ठीक है, नरेशन अगर लिखना हो तो क्या लिखोगे बोलो? बी गुड्स परचेज फॉर कैश. ठीक है, वो आप लोग कर सकते हो. आगे 5 तारीख, रिसीव्ड चेक फ्रॉम अरुण 10,000. अभी चेक अगर रिसीव करते हो ना, तो आगे के ना 8-10 ट्रांजेक्शन है या पूरे ट्रांजेक्शन है, एक बार देख लिया करो, पूरा क्वेश्चन रीड कर लिया करो कि जो चेक रिसीव किया है अरुण से, वो कहीं हमने बाद में तो डिपॉजिट नहीं किया, जैसा पहले क्वेश्चन उन्होंने किया था, मैंने बेहर चेक लिया था तो 6 तारीख को लिया था और डिपॉजिट कभी किया था 14 तारीख को, है ना. Yes. तो वैसा ही चेक कर लो एक बार. अगला ट्रांजेक्शन, हाँ 10 तारीख को क्या हुआ? अरुण चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक. इसका दस, देखो 5 तारीख को हमने अरुण से चेक लिया और डिपॉजिट कभी किया? 10 तारीख को. इसका मतलब वो चेक कहाँ रहा होगा हमारे पास 10 तारीख तक? गले में. कौन से गले में? कैश के गले में. ठीक है, ऐसा समझिए. तो इसका मतलब ये जो हमने चेक लिया ना, तो चेक लिया तो एंट्री कहाँ पे आनी चाहिए? बैंक वाला में आनी चाहिए, क्योंकि हमने डिपॉजिट बाद में किया है. इसके लिए आज हम लोग चेक जब रिसीव करें तो उसको कौन से कॉलम में रखेंगे? कैश कॉलम में रखेंगे. अंडरस्टूड ना? ठीक है, कितनी तारीख है? 5 तारीख. टू किसके पास से लिया? अरुण अकाउंट. कितने का चेक है? 10,000. सो रहे हो क्या तुम? ठीक है, नरेशन क्या लिखोगे? बी चेक रिसीव्ड फ्रॉम अरुण. सिंपल एकदम. ठीक है, नेक्स्ट. अभी क्यों कैश में लिखा समझा ना आप लोगों को, क्योंकि ये अभी डिपॉजिट नहीं किया. तो डिपॉजिट नहीं करोगे तो बैंक में पैसे आएंगे ना. सिंपल सा लॉजिक है, अगर कोई आपको चेक देता है और आप अपने कैश के गले में रखोगे तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा ना. ठीक है, ओके, ये हो गया. फिर नेक्स्ट क्या है? सोल्ड गुड्स फॉर कैश 8,000. गुड्स बेचा है तो पैसे आएंगे, यानी कौन सी साइड पर लिखेंगे? रिसीव साइड. कितनी तारीख है? 8 तारीख. टू सेल्स अकाउंट. कितना? 8,000. ठीक है, सिंपल. नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग गुड सोल्ड फॉर कैश. फिर नेक्स्ट 10 तारीख को अरुण चेक. तो 10 तारीख को ये जो हो गया कॉन्ट्रा हो गया. पहले आप क्या करोगे? कैश का ड्रॉवर ओपन करोगे, उसमें से चेक निकालोगे, यानी क्या निकाल रहे हो? कैश निकाल रहे हो. और कहाँ पे जमा कर रहे हो? बैंक में. तो इसकी कौन सी एंट्री आएगी? कॉन्ट्रा. लास्ट टाइम किया था हमने. तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, ये कैश में लिखा ना 10,000 अरुण का, वो अभी क्या कर रहे हैं? पे कर रहे हैं. किसको पे कर रहे हैं? बैंक को. तो पहले तो पे कर रहे, तो आपका कैश जाएगा.
तो जाएगा तो कहाँ जाएगा? बाय बैंक अकाउंट. समझ में आया कुछ? yes. ठीक है, यहाँ पे क्या लिखो? लेजर फोलियो में क्या लिखोगे? कॉन्ट्रा. ठीक है, नरेशन क्या आएगा? बीन अरुण चेक डिपोजिटेड इनटू बैंक. क्या लिखोगे? बीन अरुण चेक डिपोजिटेड इनटू बैंक. फिर अच्छा, कैश गया है ना, तो बैंक में पैसे आ रहे, तो कहाँ है अभी बैंक में लिखो? कितना? 10,000. ठीक है, टू. तो बैंक में क्या आ रहा है? तो बैंक में कैश आ रहा है, समझे? और ये हो गया कॉन्ट्रा. कितनी तारीख है? 10. इसका भी नरेशन सेम आएगा, बीइंग कैश डिपोजिटेड इनटू बैंक, या फिर अरुण चेक डिपोजिटेड इनटू बैंक. समझ में? फिर नेक्स्ट अभी क्या है? परचेज गुड्स एंड पेड बाय चेक 20,000. गुड्स आपने परचेज किया तो पैसा आएगा कि जाएगा? ऑब्वियसली आप पेमेंट करोगे. तो कितनी तारीख है? 12 तारीख. बाय पैसा क्यों गया? परचेस की वजह से. कैश में पेमेंट किया क्या आपने? नहीं. कैसे पेमेंट किया? चेक से. तो कितना आएगा? 20,000. समझ में आया कुछ? नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग गुड्स परचेस एंड पेड बाय चेक. ओके, नेक्स्ट अभी क्या है? पेड एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस थ्रू बैंक 1,000. ठीक है, 15 तारीख को हमने एक एक्सपेंस पे किया, उस एक्सपेंस का नाम क्या है? एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस. तो पैसे आए कि गए? गए. कौन से साइड में आएगा? पेमेंट साइड में. बाय एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस अकाउंट. चेक से पेमेंट किया तो 1,000 कहाँ आएगा? बैंक के पास में. ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या अभी? कैश सेल्स. सेल्स है ऑब्वियसली, आपको अच्छे से अब तक याद हो गया होगा, टू सेल्स अकाउंट. ठीक है, कितने का सेल किया? 7,000. डिपोजिटेड इनटू बैंक 10,000. बैंक में डिपोजिट किया, क्या कॉन्ट्रा है? क्या डिपोजिट करोगे बैंक में? पत्रा? नहीं. क्या डिपोजिट करोगे? कैश. ठीक है, कितनी तारीख है? 20 तारीख. तो 20 को बाय कैश डिपोजिट किया, यानी कैश क्या हो रहा है? जा रहा है. क्रेडिट व्हाट गोज आउट. ठीक है, कितना डिपोजिट किया आपने? 10,000. तो कैश के कॉलम में क्या आएगा? बाय बैंक अकाउंट. समझे कि नहीं? और ये क्या हो गया? कॉन्ट्रा. तो कैश का पेमेंट हो रहा है यानी जा रहा है, और बैंक में पैसे आ रहे हैं. 10,000 कॉन्ट्रा, 20 तारीख. बैंक का कॉलम में तो क्या लिखोगे यहाँ पे? कैश अकाउंट. समझे कि नहीं? नेक्स्ट अभी क्या है? फिर जनरल एक्सपेंसेस 500. सिंपल है ना, पे किया आपने. बाय जनरल एक्सपेंस अकाउंट. अच्छा, क्वेश्चन में दिया नहीं है कि आपने कैसे पे किया, चेक से पे किया कि कैश में. तो आप क्या अज्यूम करोगे? कैसे पे किया? कैश में पे किया. ठीक है, जब चेक दिया रहेगा तो ही बैंक से पेमेंट कर देगा, समझे? नेक्स्ट, रिसीव कमीशन बाय क्रॉस चेक 6,000. तो देखो ये चेक बाद में डिपॉजिट किया गया, नहीं ना? ठीक है, तो ये चेक का अमाउंट किधर जाएगा? सीधा बैंक के कॉलम में. और क्या रिसीव किया हमने? क्रॉस चेक. क्रॉस चेक कैसे रिसीव किया? कमीशन के लिए. ठीक है, कितना? 6,000. सीधा किस में आएगा? बैंक के कॉलम में आएगा. ठीक है, नरेशन क्या रहेगा? बीइंग कमीशन रिसीव्ड. अब है पेड रेंट 2,029. बाय रेंट अकाउंट कितना? 2,000. ठीक है, नरेशन बीइंग रेंट पेड.
विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज, कैश विड्रॉ किया पर्सनल यूज, क्या होता है? ड्राइंग, ठीक है, ड्राइंग। कैश जा रहा है कि आ रहा है? कितनी तारीख है? बाय ड्राइंग अकाउंट कितना? 1200। नेक्स्ट अभी वेजेस पेड 6000, तो वेजेस पेड भी क्या होएगा? कितनी तारीख है? 31 बाय वेजेस अकाउंट, वेजेस अकाउंट 6000। पक्का? यस। नरेशन बीइंग वेजेस पेड, ठीक है। ये तो समझो डबल एंट्री में ना कैसा है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है सब, तो ये सब बहुत इजीली आप कर सकते हो। पहले किसको बैलेंस करेंगे? कैश को। कैश में कौन से साइड का टोटल ज्यादा आएगा? ऑलवेज डेबिट साइड। 7 और 8 15 7 22 कितना कह रही हो? 2 2 1 3 और 1 42 500। अभी माइनस कर लो, पाँच और दो सात, 7 और 8 15 कितना कैरी करोगे? एक और तीन चार, चार और दो छः, और एक सात और छः तेरह, तेरह और नौ बाईस, दो कैरी कर दो, 1 3 1 4 9 8 800, ठीक है। फिर बैंक बैलेंस भी हम लोग कर लेते हैं, बैंक में कितना? 31,000 है, यहाँ पे कितना खर्चा किया? 21,000, यानी ये सेक्टर ज़्यादा है, इसमें भी डेबिट का ही ज़्यादा है, 21 है 21 31 जैसे माइनस किया तो कितना बचा? 10,000, समझे कुछ? यहाँ पे जुलाई का भी खत्म होता है 31st को, तो बाय क्या लिखोगे? बाय बैलेंस कैरी डाउन। सीढ़ी कैसे उतरते हैं? क्रॉस में 2018 जुलाई के बाद क्या आता है? अगस्त फर्स्ट क्या लिखोगे? टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 9,800, 10,000, ठीक है, समझ में? नरेशन लिख सकते हो आप लोग? बहुत से कॉलेज में नरेशन नहीं पूछते हैं, बहुत से कॉलेज नरेशन पूछते हैं, तो नरेशन तो सिंपल है, कर सकते हो आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी अपलोड कर लीजिए, थैंक यू।